नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज तेलंगाना में सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब पीएम मोदी रैली करने वाले हैं और फिर दोपहर 2 बजे पीएम मोदी कर्नाटक के कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हैं। जनसभा में भी दूर दूर से लोग उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए आज पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 बजे का वो वक्त होगा जब कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित करेंगे। धुआंधार प्रचार इस वक्त खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारत के वो दौरे पर हैं और इसी दौरे का आज दूसरा दिन उनका रहने वाला है। तेलंगाना में वो रहेंगे, पहले सुबह 11 बजे रैली करेंगे और फिर दोपहर 2 बजे पीएम मोदी कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। देश के कई राज्यों में परीक्षा के दौरान नकल एक बड़ी समस्या बन गई। कई हिस्सों में बोर्ड परीक्षा के दौरान हुई नकल की खबरों के बीच मध्य प्रदेश के श्योपुर से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। वहां परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उस वीडियो में छात्रों के बीच बैठकर दूसरे लोग परीक्षा देते नजर आए। परीक्षा केंद्र में एक या दो नहीं बल्कि कई लोग मौजूद दिखे जो छात्रों के बदले खुद सवालों के जवाब लिखते दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ छात्र तो किताबों से नकल करते नजर आए। वहाँ एक लड़का खुलेआम मोबाइल फोन देखकर कॉपी पर लिखता दिखाई दिया। परीक्षा केंद्र में कई छात्र बाहर फर्श पर बैठे दिखाई दिए और आरोप लगा कि उन छात्रों को परीक्षा में नकल कराने के लिए वहाँ के शिक्षकों ने मदद की। इस दौरान वहाँ मौजूद एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक पर छात्रों को नकल कराने का आरोप लगा दिया। 4 दिन देख रहा हूँ, तुम तो बराबर कॉपी लिख रहे हो, ड्यूटी नहीं कर रहे हो। बताया गया कि श्योपुर में 8वीं की बोर्ड की परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले ही सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक हो गया। इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के रीवा में एक स्कूल में धड़ल्ले से हुई नकल का वीडियो वायरल हो गया था। बिहार के बेगूसराय में शिक्षा विभाग की लापरवाही का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां 9वीं और 11वीं क्लास की परीक्षा बिना तैयारियों के शुरू करा दी गई। शिक्षा विभाग के एक दफ्तर में प्रश्न पत्र किसी रद्दी की तरह फेंक दिए गए और रद्दी की तरह फेंके गए उस ढेर में कई शिक्षक अपने स्कूलों के लिए प्रश्न पत्र ढूंढते नजर आए। शिक्षा विभाग के उस दफ्तर में हर तरफ बड़े बड़े बंडल जमीन पर पड़े दिखाई दिए। वीडियो में कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे वो शिक्षक उन बंडलों के बीच सुई तलाश रहे हो क्योंकि उस दफ्तर के परिसर में प्रश्न पत्रों से भरे बंडल काफी दूर तक इधर उधर बिखरे दिखाई दिए जो उन शिक्षकों के लिए कड़ी चुनौती बन गया। वो शिक्षक वहां उन बंडलों पर अपने स्कूलों के नाम तलाशते दिखे। बताया गया कि 9वीं क्लास के लिए 1860 और 11वीं क्लास की परीक्षा के लिए 3311 बंडल प्रश्न पत्र भेजे गए थे लेकिन उन प्रश्न पत्रों को रखने के लिए वहां कोई इंतजाम नहीं किया गया जो शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही बताई गई। एक ब्रेकिंग न्यूज, जयपुर में फाउंटेन स्क्वायर पार्क में मुगल क्यारी के लोकार्पण के साथ ही अब विवाद जबरदस्त शुरू हो चुका है। मुगल क्यारी के नाम से राजस्थान के शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा नाराज हो चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मुगल क्यारी का नाम जल्द बदल दिया जाएगा। देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त कतई नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि हाउसिंग बोर्ड ने बोटानिकल गार्डन में बनाई है मुगल क्यारी और इसी के लोकार्पण के साथ अब विवाद शुरू हो चुका है। लेकिन ये भी साफ कर दिया गया कि अब संस्कृति सभ्यता के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि दावा किया गया है कि जो मुगल क्यारी नाम रखा गया है इसे बहुत जल्द बदल दिया जाएगा। ज्यादा चित्र समझते हैं और इन सब को निराकरण करते हुए भारतीय सभ्यता संस्कृति के रूप में ये गार्डन आने वाले समय में विकसित। हम हर वो काम करेंगे जिससे भारतीय सभ्यता संस्कृति और मजबूत, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक बैंक मैनेजर की पिटाई करने के आरोप में अभिलाष नाम के बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि उन्होंने एटीएम से पैसे निकालने के दौरान बैंक मैनेजर से मारपीट की थी। ये घटना 2 दिन पुरानी बताई गई जिसका वीडियो अब सामने आया और उस वीडियो में अभिलाष बैंक मैनेजर पर थप्पड़ चलाते नजर आए। उस दौरान कई लोग बीच बचाव भी करते दिखाई दिए लेकिन इसके बाद भी वो उनसे मारपीट करते रहे। बताया गया कि ये पूरा बवाल तब हुआ जब अभिलाष तिरुवल्लूर शहर में मौजूद एक बैंक के बाहर एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे लेकिन मशीन की सर्विस होने की वजह से वहां खड़े एक कर्मचारी ने उन्हें पैसे निकालने से रोक दिया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें अभिलाष रोके जाने के बावजूद एटीएम में पैसे निकालने के लिए कार्ड डालते दिखाई दिए। इस पर जब प्रदीप नाम के बैंक मैनेजर ने ऐसा करने की वजह पूछी तो वो उनसे बहस करने लगे। आरोप है कि इसी दौरान बीजेपी नेता अभिलाष ने उन पर हमला कर दिया। वीडियो में वो बैंक मैनेजर के चेहरे पर दनादन थप्पड़ चलाते दिखे। यही नहीं, लोगों के रोकने पर उन्होंने उनकी जूतों से भी पिटाई कर दी। बाद में मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई।
गुजरात के सूरत में एक घर में ऐसा धमाका हुआ कि आसपास के दूसरे घरों में मौजूद लोग भी उसकी आवाज सुनकर खौफ से भर गए। वहां उस घर में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी अचानक फट गई और कुछ ही देर में वो आग की धधकती लपटों में गिर गई और उस इलेक्ट्रिक स्कूटर से तेज लपटें उड़ती नजर आई। कुछ देर में तो स्कूटर में लगी आग फैलती चली गई और वहां हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। इसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। उस घर में मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि एक कमरे से पूरे घर तक धुआं फैलता दिखा। तभी उस कमरे में रखा सामान भी इसकी चपेट में आ गया। वहां आग लगने के दौरान उस घर का एक सदस्य वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जो वीडियो में अपनी माँ से कुछ कहता सुनाई दिया। मम्मी कोई ना काई ने बोला वो। बताया गया कि उस घर के अंदर उस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज किया जा रहा था, लेकिन चार्ज करने के दौरान ही उसकी बैटरी फट गई और जोरदार धमाका हो गया। हालांकि उस घर में रहने वालों की जान बाल बाल बच गई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर अभी तक भी कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति बन ही नहीं पाई है। एक बार फिर से सीटों पर शेयरिंग फॉर्मूला तय करने के लिए मुंबई के ट्राइडेंट होटल में महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस के सी वेणुगोपाल, रमेश चेनीथला, इनके अलावा नाना पटोले, बालासाहेब थोराट शामिल हुए हैं। एनसीपी से बैठक में जयंत पाटिल और जितेंद्र आहवाड शामिल हुए। शिवसेना उद्धव गुटवाली से संजय राउत इस बैठक में मौजूद रहे हैं। हालांकि इस बैठक के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर को न्योता ही नहीं दिया गया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर कई बैठक में वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर को न्योता ही नहीं दिया गया, क्योंकि सीटों के बंटवारे पर वंचित बहुजन अघाड़ी और महाविकास अघाड़ी के बीच तल्खी काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि महाविकास अघाड़ी के चार लोकसभा सीट देने के प्रस्ताव को प्रकाश आंबेडकर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और ये कहा कि जब तक उन्हें सम्मानजनक जगह नहीं मिलेगी तब तक वो महाविकास अघाड़ी में शामिल ही नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास अघाड़ी उन्हें जो जगह दे रही है उससे साफ है कि वो चाहते हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी हार जाए। दरअसल प्रकाश आंबेडकर ने 27 सीटों का प्रस्ताव महाविकास अघाड़ी को दिया था और 17 सीटों की मांग की थी। बातचीत के बाद वो कम से कम 10 से 12 सीटों की मांग पर अड़े थे। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट जल्द ही लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट शिवसेना शिंदे गुट सोमवार तक जारी कर सकती है और इस लिस्ट में लोकसभा चुनाव के लिए 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों पर एक गहन चिंतन मंथन यहां पर किया गया है और माना जा रहा है बहुत जल्द ही जो तारीख तो आ ही रही है, लेकिन इसके साथ ही पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है।